वेस्टइंडीज क्लब दूसरे टी20 महामुकाबले में मिली हार के बाद बौखला गए भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी हार का ठीकरा निकोलस पूरन सहित इन खिलाड़ियों पर फोड़कर दे डाला है चौंकाने वाला बयान। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेले गए दूसरे टी20 महामुकाबले में जब भारतीय टीम को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी उसके बाद भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। जैसे में आखिरकार उन्होंने अपनी हार का जिम्मेदार किसको ठहराया है जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या भविष्य में रोहित शर्मा से बेहतर कप्तान बन पाएगा या नहीं, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। साझा करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर है जहां 5 मैचों की टी20 श्रृंखला चल रही है जिसका दूसरा टी20 महामुकाबला गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला गया। इस महामुकाबले में भारतीय कप्तान ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए 152 रन 7 विकेट खोकर बनाए जिसमें तिलक वर्मा ने 41 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्का लगाकर 51 रन की पारी खेली। इसके जवाब में वेस्टइंडीज टीम की शुरुआत तो बेघर खराब रही जहां शुरुआत में ही शुरुआती विकेट भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने चटका दी मगर उसके बाद निकोलस पूरन ने 67 रन की शानदार पारी खेली। रॉबमैन पवेल 21 और सिमरन हेटमायर के 22 रन शानदार रहे और 18.5 ओवर में पूरी वेस्टइंडीज टीम 8 विकेट खोकर 155 रन बना देती है और 7 गेंद और 2 विकेट शेष रहते हुए इस महामुकाबले को जीतकर 2-0 से सीरीज में आगे हो गई है। ऐसे में इस महामुकाबले में भारतीय टीम की शर्मनाक हार मिली और इसके बाद भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या बेहद निराश और गुस्से में नजर आए। उन्होंने अपने बड़ा बयान जारी करते हुए बोला कि अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो बल्लेबाजों का प्रदर्शन हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक नहीं था, हमें बेहतर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी और हम यह कर सकते थे। इस मैदान पर जैसा कि एवरेज स्कोर देखा गया है 160 से ज्यादा 170 के लगभग अच्छा टोटल हो सकता है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने निकोलस पूरन के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ते हुए कहा जिस तरीके से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं वह बेहद शानदार है और हमारे स्पिनर्स को रोटेट करना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पूरन ने जिस तरीके की आज बल्लेबाजी की है उनने कहीं ना कहीं अपने मुकाबले को वेस्टइंडीज को जिताने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने पर पांड्या बेहद ज्यादा निराश होते हुए कहते हैं कि हमें 7 बल्लेबाजों पर भरोसा करना जरूरी था, वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि गेंदबाज आपको मैच जिता पाएंगे मगर यह सुनिश्चित करने के तरीके हमको खोजने होंगे। हमारे पास अभी संतुलन बाकी नहीं है जिससे कि टॉप ऑर्डर हमारा फ्लॉप साबित हो रहा है और यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारा मुकाबला हम हार गए। हालांकि इस महामुकाबले में भारतीय टीम के लिए 4th नंबर पर तिलक वर्मा ने बेहद शानदार बल्लेबाजी की है, उसने 51 रन बनाए और इस खिलाड़ी की तारीफ में मैं मानता हूँ कि बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 4th नंबर पर आना हमारे लिए एक बेहद ज्यादा खुशकिस्मती की बात है कि 4th नंबर पर हमारा कोई लेफ्ट हैंडर आता है, इससे पहले सुरेश रैना यह काम करता था। इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि तिलक वर्मा ने इतना शानदार प्रदर्शन करते हुए 4th स्थान पर महज अपने दूसरे इंटरनेशनल महामुकाबले में यह प्रदर्शन किया है। तो ऐसे में मैं भविष्य में उसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करता हूँ और कोशिश करेंगे कि हम आगे आने वाले सभी मुकाबले जीतकर सीरीज को अपने नाम करें। दोस्तों यह तो हार्दिक पांड्या का वह बयान है जो उन्होंने अपने हार के बाद दिया है। क्या आप उनके बयान से सहमत हैं? यदि हाँ तो प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। साथ साथ नए हैं सब्सक्राइब कीजिए।